नमस्कार, आज हम कर रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी के परीक्षोपयोगी अन्य प्रश्न एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका को गंतोक से कंचनजंघा क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। लेखिका की वह सुबह गंतोक में आखिरी सुबह थी। वहां से वे लोग युमथांग जा रहे थे। वहां के लोगों के अनुसार यदि मौसम साफ हो तो वहां से कंचनजंघा दिखाई देती है। कंचनजंघा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी थी। उस दिन मौसम साफ होने पर भी लेखिका को हल्के हल्के बादलों के कारण कंचनजंघा चोटी दिखाई नहीं दी थी। प्रश्न है, लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका के क्या साधन थे। उत्तर है, लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब का व्यापार था। प्रश्न है, क्या लेखिका को लायुंग में बर्फ देखने को मिली। यदि नहीं मिली तो उसका क्या कारण था। उत्तर है, लेखिका जैसे पर्वतों के निकट आती जा रही थी, उसकी बर्फ देखने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। लायुंग में उसे बर्फ के होने का विश्वास था, परंतु सुबह उठते ही जैसे वह बाहर निकली उसे निराशा हाथ लगी। वहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। लेखिका को लगा कि समुद्र से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ का ना मिलना आश्चर्य है। वहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने इस समय स्नोफॉल न होने का कारण बढ़ते प्रदूषण को बताया। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है उसी तरह प्रकृति के साधनों में कमी आती जा रही है। प्रश्न है, लेखिका को बर्फ कहाँ देखने को मिल सकती थी और वह कहाँ स्थित है। या सिक्किमी नवयुवक ने कटाव के बारे में लेखिका को क्या जानकारी दी थी। उत्तर है, एक सिक्किमी युवक ने लेखिका को बताया था कि इस समय बर्फ कटाव में देखने को मिल सकती थी। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अभी तक वह टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना, इसीलिए वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। वहां पहुंचने के लगभग 2 घंटे का समय लगता है। प्रश्न है, कटाव का सफ़र कैसा रहा। उत्तर है, कटाव का रास्ता खतरनाक था। उस समय धुंध और बारिश हो रही थी जिसने सफ़र को और ख़तरनाक बना दिया था। जितेन लगभग अनुमान से गाड़ी चला रहा था। खतरनाक रास्तों के एहसास ने सबको मौन कर दिया था। जरा सी असावधानी सबके प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। जीप के अंदर केवल एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे लोग आसपास के वातावरण से अनजान थे। जगह जगह पर सावधानी से यात्रा करने की चेतावनी लिखी हुई थी। प्रश्न है, लेखिका बर्फ पर चलने की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकी। उत्तर है, लेखिका और उसका यात्री दल जब कटाव पहुंचा उस समय ताजी बर्फ गिरी हुई थी। बर्फ देखकर लेखिका का मन प्रसन्नता से नाच उठा था। उसकी इच्छा थी कि वह बर्फ पर चलकर बर्फ की जन्नत को अनुभव करे, परंतु वह ऐसा कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। वहाँ पर कोई ऐसी दुकान नहीं थी जहाँ से वह जूते किराए पर ले सके। प्रश्न है, लेखिका पर वहाँ के वातावरण ने क्या प्रभाव डाला। लेखिका वहाँ पहुँचकर स्वयं को प्रकृति में खोया हुआ अनुभव कर रही थी। वह दूसरे लोगों की तरह फोटो खींचने में नहीं लगी हुई थी क्योंकि वह जितने क्षण थे खुशी के सभी को अपनी आत्मा में समा लेना चाहती थी। हिमालय के शिखर उसे आध्यात्मिकता से जोड़ रहे थे। उसे लग रहा था कि ऋषि मुनियों ने इसी दिव्य प्रकृति में जीवन के सत्य को जाना होगा, वेदों की रचना की होगी। जीवन में सब सुख देने वाला महामंत्र भी यहीं से पाया होगा। लेखिका उस सौंदर्य में
इतनी खो गई थी कि उसे अपने आसपास सब चेतना शून्य अनुभव हो रहा था। प्रश्न है, जीतेन ने सैलानियों से गुरु नानक देव जी के संबंधित किस घटना का वर्णन किया है? उत्तर है, जीतेन को वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान था। वह उन्हें रास्ते भर तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा था। एक स्थान पर उसने बताया कि यहाँ पर एक पत्थर पर गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान हैं। जब गुरु नानक जी यहाँ आए थे उस समय उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर गिर गए थे। जहाँ जहाँ चावल छिटके थे वहाँ वहाँ चावलों की खेती होने लगी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें और हमारी टीम को वीडियो बनाने के लिए बढ़ावा मिल सके। अगर आपको हमारे वीडियो के बारे में आपके माइंड में कुछ कमेंट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएँ हम